आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित 11 जिलों के सफल अभ्यर्थी जो 6 अनुशंसित विषयों के अभ्यर्थी हैं अपनी रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के इस मूसलाधार बारिश में भीग रहे हैं। इनका मांग है कि हम लोग जो 25% सफल अभ्यर्थी जिनका डीवी हो चुका है उनका अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो रहा है। इनके चेहरे पे आप साफ मायूसी देख सकते हैं। इनका कहना है कि हम लोग JSSC के अध्यक्ष या सचिव से मिलना चाहते हैं लेकिन ये मिलने को तैयार नहीं है। पहले इनका कहना है कि पहले यही अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय का बयान था कि जैसे ही आप लोगों का सरकार के तरफ से कोई दिशा निर्देश आता है आपका रिजल्ट बन करके तैयार है, एक सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन JSSC अपनी बातों से मुकरते हुए पुनः उन्हीं अभ्यर्थियों को जिनका डीवी हो चुका था उन्हीं अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डीवी हुआ है पुनः उनको डीवी के लिए बुलाया गया है। वो भी जैसा कि आप पहले देखे होंगे कि जिनका पहले मेधा सूची या मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हुआ था या कह सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी जो समय दिया जाता था अधिक से अधिक को 20 से 25 दिन दिया जाता था लेकिन आज इनका 2 बार समय देने के बाद भी 2 माह का समय दिया गया है, वो भी ये कह करके कि कोरोना काल का समय है। मैं JSSC के अध्यक्ष और सचिव महोदय से पूछना चाहूँगा इन सफल अभ्यर्थियों की तरफ से कि अगर कोरोना का तीसरा लहर आता है तब तो 2 माह के बाद 4 माह लग जाएंगे, तो फिर हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशन कब होगा। हम लोग JSSC के अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय से मिलने आए हैं लेकिन मिलने को कोई तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस झमाझम बारिश में अभ्यर्थी भीज रहे हैं। इनका बस एक ही मांग है कि अध्यक्ष महोदय हम लोगों से मिल लें, वो मिल करके अपनी बातों को रखें, हम लोग अपनी बातों को रखें, उनका क्या विचार है हम लोग सुन करके चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग विनम्रतापूर्वक बिना नारेबाजी किए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शांत मौन धारण किए हुए हम लोग गेट के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये सामने JSSC का कार्यालय है लेकिन कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक हम लोग देखे कि सचिव महोदय का गाड़ी कैंपस में ही खड़ा है और उनका कहना है कि हम लोग अभी नहीं मिलेंगे, साफ साफ वो मिलने से इनकार कर जाते हैं। इसका बस एक ही कारण है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। किस हमारे बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि JSSC के जो अध्यक्ष महोदय हैं सचिव महोदय हैं वो हमारे सपोर्ट में हैं लेकिन अब उनकी मंशा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे लाइफ के साथ खेल रहे हैं। ये पहले कहते हैं कि सरकार से जैसे ही हम लोगों को NOC मिलती है हम लोग विदिन 1 वीक रिजल्ट पूरा पब्लिकेशन कर देंगे, सारा रिजल्ट बन के रेडी है और फिर से DB के लिए बुलाया जाता है जो समय 2 महीना दिया जाता है। मतलब साफ है कि सरकार और JSSC ने सभी ने मिलकर ये सोच लिया है कि इन छात्रों के शिक्षकों की जिंदगी जो है जो सफल अभ्यर्थी हैं 11 जिले के 6 विषयों के उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आज हम लोग इस आशा से आए हुए थे कि झारखंड SSC जो 2 महीने का टाइम दिया है वो सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम लोग के मिलने के बाद वो क्लियर करें कि आखिर इतना लंबा टाइम क्यों दिया गया है जबकि उनके ही द्वारा कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जैसे ही सरकार से हमें ऑर्डर प्राप्त होगा हम रिजल्ट जारी कर देंगे और रिजल्ट मेरा बना हुआ है 11 जिला 6 विषयों के जो 25% जो बचे हुए हैं उनके लिए। अब हम यही उनसे आज हम लोग को सादर अनुरोध है कि हम लोग को मिलने का टाइम दे और बिल्कुल क्लियर करें कि इतना जो लंबा टाइम आप दे रहे हैं आखिर इसकी वजह क्या है। हम लोग वजह जानने की यार सबसे बड़ी कारण मैं एक हमारे अभी मित्र हैं यहाँ पर विनोद सर, इनका DB पहले हो चुका है और ये बताएंगे कि फिर इनको DB के लिए बुलाया जबकि किसी भी प्रकार का इनके साथ नोटिस नहीं दिया गया है। जी सर आपका DB हुआ है? सर DB हो चुका है, उसमें किसी तरह का प्रावधान नहीं था और उस समय भी हमको कुछ नहीं कहा गया कि कोई तरह की कमी है लेकिन अब फिर से DB के लिए हमको 24 सितंबर को बुलाया गया है। बताइए इतने दिन नियुक्ति प्रक्रिया बाधित रहेगी फिर हम पीछे पड़ेंगे। अगर 24 तारीख को DB के लिए हम आते हैं तो मतलब इतना दिन तो नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रह जाएगी या फिर अगर आगे बढ़ते तो इसमें हम पीछे पड़ गए। जी, ये सरकार की बिल्कुल गलत मंशा और मानसिकता नजर आ रही है इसमें तो हम जो है पीछे पड़ते हुए हम जो है
सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस झमाझम बारिश में? आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भीग गए हैं और भीगते हुए भी आप जेएसएससी कार्यालय के सामने अपनी बात मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक जानकारी मिली कि न तो अध्यक्ष न तो सचिव कोई मिलने के लिए आप लोगों से तैयार नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है सर कि 10 दिन पहले हम लोग आए थे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए, हम लोग सचिव साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि जैसे ही सरकार का हमें एनओसी मिल जाएगा हम आप लोगों का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर पब्लिश करेंगे। लेकिन कल जो फिर ने ये आयोग ने जो कल डिबिट फिर बुलाया है, ये समझ से परे लग रहा है कि बुलाया है 21 तारीख से शायद बुलाया गया आप लोगों को 21 सितंबर को। हाँ 21 सितंबर लगभग दो माह बाद का टाइम दिया है, तो ये समझ से परे कि आखिर आप मतलब कार्मिक मैंने यहाँ जेएसएससी चाहती थी इन लोगों को 10 से 15 दिन में बुला सकते थे। सर अगर आयोग अगर चाहती कि इतना जो डीवी जो छूटे हुए थे कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट को हम 10 दिन के अंदर भी इसका डीवी हम करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो 2 महीना का जो लंबा टाइम दे दिया ये समझ से परे है। काफी इन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोगों के साथ? एसएससी से मेरा यह निवेदन है कि यह जो 2 महीना का एक लॉन्ग टाइम लिए हैं, इसको कम से कम 1 सप्ताह के अंदर टाइम ले और जितने भी डीवी हैं उसको है सो नहीं बुलाएं और डीवी करके क्लियर कर दे। सर एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले बार के ही डीवी में लिखा हुआ था कि यह अंतिम उनका जो है सो मौका है, अगर इस मौके में वो नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यह स्वतः समाप्त कहाँ हुई सर? इनको 2 नहीं 3-3 मौका मिल रहा है, तो ये कहीं न कहीं झारखंड एसएससी और सरकार की थोड़ी सी मनसा साफ यहाँ नहीं लग रही है सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों के चेहरे पे साफ मायूसी है। इन लोगों का कहना है कि जो उनको डीबी के लिए बुलाया गया है, जो नहीं आ पाए थे, उनको ये दूसरा नहीं बल्कि 3रा मौका है। बल्कि कोरोना काल के कारण इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोरोना काल के कारण सरकार मौका देना चाहती है तो जो समय सीमा 2 माह का रखा गया है, क्योंकि उनको पत्राचार के माध्यम से सूचना मिल चुकी थी कि उनका डीबी का डेट आ चुका है, तो कहीं न कहीं वो डीबी के लिए तैयार थे, तो 2 माह का समय न दे करके इसको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर डीबी करा लिया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।